अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यसर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। दर्शी पर देने ने कहा, मैं पहचान गया आप बहुत जीनियस गैर मामूली नोबल कैरेक्टर के आदमी हो। मेरे मुल्क में आप जैसा हेती नहीं है और मेरा मुल्क खतरनाक क्राइसिस में फंसने वाला है। आप के हवाले करता हूँ पूरी हुकूमत मिस्र की, आज से आपके हवाले। इन्नका यौम लदैना मकीनुन अमीन। अब आप संभालो, मेरे पास एक भी नहीं है जिन पर मैं भरोसा कर सकता। मेरे जितने मंत्री हैं और मेरे जितने संतरी हैं वो सब वो हैं जिनसे आजकल हमको और आपको पाला पड़ा हुआ। हो सकता है उन्हीं की औलादें होने यहां आ गई। यूसुफ अलैहि सलाम जवाब दिया, मैं पूरी हुकूमत तमाम वज़ारतें और पूरा पावर बिल्कुल कबूल नहीं करूँ। सिर्फ वो महकमा जो रिजा का महकमा है, फूड मिनिस्ट्री, पैदावार, उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। इजाज़नी आला खज़ाइन अल-अर्ज़। कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे दे। तो क्या हुआ, बहुत मुख्तसर, पूरे मुल्क में पूरी ज़मीनों को उन्होंने किसानों से खरीद लिया और ये कहा कि सारी फसलें सरकारी गोदाम में आएंगी, बाजार में उसको कोई नहीं बेचेगा क्योंकि वहाँ तो अमीर खरीद पाएगा, गरीब खरीद ही नहीं पाएगा। सरकारी गोदामों में रल्ला आया, हुकूमत का गल्ला खरीदा, हर घर का राशन कार्ड बनवाया। पहली मरतबा इंसानी तारीख में राशनिंग का निज़ाम हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने शुरू और हर घर में उतना ही गल्ला जाएगा जितने की वहाँ साल भर के लिए ज़रूरत, न एक दाना कम न एक दाना ज़्यादा। इस तरह उन्होंने जखीरांदोजी करने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इन तमाम लोगों की जड़ काट दी और आवाम को राहत पहुंचा दी। 7 साल की पैदावार, 14 साल तक पूरा मुल्क बहुत आराम से चलता रहा। ऐसी खिदमत खल्क, ऐसा शानदार मैनेजमेंट, इसके देखते ही देखते ये है सुनाने की बात कि पूरी कौम बगैर दावत के इस्लाम में आ गई है। ऐसी मोहब्बत, साथी बैठे रहे तरह थोड़ी देर के लिए। भाई मुसाफिर के लिए कोई भी हाथ आगे न बढ़ाए,
बहुत ही मुआतबरन आपसे गुजारिश है कि मुसाफिर के साथी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, मोहब्बत भरी नज़र से देखें। अभी बहुत सारे काम हैं, आगे प्रोग्राम है, इफ्तिता होगा, वही हजरत की दुआ भी होगी, हम दुआ में इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। उसके बाद जैसे कि मौलाना ने कहा, खाने वाने का निज़ाम है, खाना वाना भी कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर हमारी तमाम हजरात कंपनी कोशिश करें अपने साथ दोस्तों अहबाब को लाने की भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह मजलिस खत्म हो गई माशाल्लाह। यहाँ से अब नौमानी हॉस्पिटल जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ का भी मंजर बताएंगे, जाएंगे तो मौलाना उस्मान साहब है, मौलाना रियाज साहब है, हमारे मुड़ी के उलमा इकराम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब है, दिखला रहे मजमे को दिखला। यहाँ पर हुआ प्रोग्राम,